नमस्कार दोस्तों, मैं राजन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हैं और हमारे कई सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो जॉब पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके साथ भी सेम ऐसा ही है या फिर अलग अलग है। एक तो ना मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसमें कि जब हम फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय की जॉब हम करते हैं तो इसमें हमें सिर्फ एक ही लोकेशन नहीं मिलती है, हमें अलग अलग लोकेशन पे भेज दिया जाता है। जैसे एक लोकेशन पे मुझे एक हफ्ता या 10 दिन मुझे मेरे को जाते हुए हो गया है तो वो मुझे चेंज करके किसी और लोकेशन पे भेज देंगे, उस लोकेशन पे किसी और को भेज देंगे। ऐसे ही टॉर्चर करते रहते हैं वो जो डिलीवरी बॉयज़ वहाँ पर लगे होते हैं और इस तरीके से परेशान करते हैं डिलीवरी बॉय को कि वो कभी किसी लोकेशन पे कभी किसी लोकेशन पे। और अगर बंदा एक ही लोकेशन पे बार बार जा रहा है, एक महीना या 2 महीने जा रहा है, तो उस लोकेशन पे उसको हिसाब आ जाता है, वो आसानी से डिलीवरी कर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसी छेड़खानी उन्होंने करनी है ताकि फ्लिपकार्ट में परमानेंट कोई बंदा न रुक सके। सिर्फ एक ही दो बंदों को है जो वो रखते हैं परमानेंटली, और वो खुद ही रुकते हैं, मैनेजर हो गया और एक दो बंदे और हो गए, TL हो गया। तो इस तरीके से टॉर्चर होता है और इस तरीके से परेशान करते हैं डिलीवरी बॉयज़ को। अगर आपको भी ऐसा, आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके बताना कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ भी काफ़ी बार हो चुका है कि मुझे जो मेरी विलेज है, विलेज में मैं काफ़ी बार डिलीवरी करने आता था तो कभी इस लोकेशन पे आ गया, कभी कहीं भी आ गया, कभी कहीं भी, ऐसे ही मेरे साथ होता रहा है। तो मुझे हिसाब था क्योंकि मेरी डिस्ट्रिक्ट कैथल ही है, इसी डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया है, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।